नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नीट मामले को लेकर पूरे देश भर में भारी बवाल मचा हुआ है। इसी बीच नीट पेपर लीक के मामले को लेकर टेररिस्ट फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र की नांदेड़ की ATS ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए, इनमें से एक को रविवार रात लातूर से हिरासत में लिया गया है। इससे पहले ATS ने रविवार को लातूर में 2 टीचर संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खां पठान को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इनमें से जलील को देर रात फिर से हिरासत में लिया गया। नीट मामले की जाँच अब ED को सौंपने पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो नहीं मिला है। ये सुनवाई 10 जून को सुप्रीम कोर्ट में दायर शिवानी मिश्रा समेत 10 शिकायतकर्ताओं की याचिका पर थी। एडवोकेट मैथ्यूज नेंदुप्रा ने एग्जाम में गड़बड़ियों की जांच ED को सौंपने और दोषियों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने की अपील की थी। NTA सुधार कमेटी की पहली बैठक आज होगी। दूसरी तरफ NTA में सुधार के लिए बनी हाई लेवल कमेटी की आज सोमवार को पहली बैठक होगी। कमेटी में 7 मेंबर शामिल हैं और ISRO के चीफ के राधाकृष्ण इसके प्रमुख है। CBI आज करेगी बिहार में पेपर लीक की जाँच। CBI पटना में नीट विवाद की जाँच कर रही है। बिहार EOU से लेने के बाद गिरफ्तार लोगों को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा सकता है। एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर एजुकेशन मिनिस्ट्री की शिकायत पर रविवार 23 जून को CBI ने पहली FIR दर्ज की थी। मिनिस्ट्री से मिले कुछ रेफरेंस के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 420 चीटिंग समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की। जाँच के लिए CBI ने 2 स्पेशल टीमें बनाई है जो पटना और गोधरा जाएगी। केंद्र सरकार ने 22 जून की रात को ये जिम्मेदारी CBI को सौंपी थी। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यू भारत।